हेलो क्वींस, आज क्वींस मन बहुत उदास है। आप सबने भी न्यूज़ कल पढ़ी होगी, सुनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत, मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों नहीं बच्चे लोगों आप लोग बात करते हो? कोई प्रॉब्लम है, मन में क्या चल रहा है, शेयर क्यों नहीं करते हैं आप लोग? किस बात का डर है बच्चे? कोई बात नहीं, अगर हम कहीं सक्सेस नहीं हुए हैं, फेलियर हो रहे हैं, तो क्या हुआ? मैं तो हमेशा से आप सब यूथ के ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ। और सच में ये इसलिए नहीं मैं बोल रही कि मुझे वीडियो बनाना है या कुछ और, ये हकीकत है। मैं सोचती हूँ आजकल यूथ, आप इतने कम एज में भी आप लोग कितना कुछ अचीव कर लेते हो। क्या हम लोग कर पाए थे पुराने ज़माने में? आज मैं 50 साल की हूँ, 50 साल की, और मैं ये कह सकती हूँ जब मैं 20-25 साल की थी मैंने क्या अचीव किया था? कुछ भी तो नहीं। आप लोगों ने तो बहुत कुछ अचीव किया है, फिर क्यों ऐसा कदम उठाते हो? शादी हो गई, नहीं सक्सेस मिल रही है, आप सुसाइड कर लेते हो। जॉब में सक्सेस नहीं है, सुसाइड कर लेते हो। किस बात का डर है बच्चों? क्यों? शेयर करो बातें अपने मन की, किसी को भी बताओ, पेरेंट्स को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ। नहीं टाइम है पेरेंट्स के पास सुनने का, ज़बरदस्ती बैठ के सुनाओ उनको, दोस्तों को सुनाओ, कॉल लगाओ, व्हाट्सएप करो, बहुत कुछ है आपके पास। नहीं बच्चों, ये सही नहीं करते हो आप लोग। मन बहुत ज़्यादा परेशान है आज। बेटी मेरी फेवरेट डिश यहाँ रख गई है बना के, मुझे मुंह में लेने का मन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। जो सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं तो हमें न्यूज़ में सुनाई पड़ता है, लेकिन कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो हमें मालूम भी नहीं पड़ता, जो शायद न्यूज़ में भी नहीं आ पाते। नहीं, ये तरीका अच्छा नहीं है। नहीं, इस तरीके को, इस स्टेप को मैं नहीं अच्छा मानती। बहुत तरीके हैं, जीवन को यूँ खिलवाड़ में मत लीजिए। बहुत तरीके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है उसका सलूशन निकल आएगा। ये सलूशन नहीं जो आप ढूंढ रहे हैं, आप गलत वे पे जा रहे हैं। कम से कम मैं तो ये कहना चाहूँगी, मैं जितने भी बच्चों को जानती हूँ, जितने भी मेरे आसपास हैं बच्चे यंग एज, वो सब या बड़े कोई भी प्रॉब्लम में हैं, प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर जिन जिन के पास भी है, कभी भी ये मत सोचिए रात के 12 बज रहा है मैं कैसे किसी को डिस्टर्ब करूँ, ये मत सोचिए सुबह है कैसे किसी को डिस्टर्ब करूँ। कॉल नहीं उठती है, व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, प्लीज़ टॉक मी। नहीं, फेलियर होने के डर से ये स्टेप उठाना बहुत गलत है। और मुझे शिकायत पेरेंट्स से भी है, क्यों बच्चों से इतनी उम्मीदें? क्यों नहीं आप लोग बच्चों से बात करते हैं? मैं बहुत सी फैमिलीज में जानती हूँ ऐसे, जिनमें हस्बैंड वाइफ में कोई भी कहा सुनी हुई, लड़ाई हुई, तो वो बच्चों से भी बात करना छोड़ देते हैं। क्यों? इंडियंस फैमिली में ऐसा तो पहले नहीं होता था, अपने हिंदुस्तान में इतने ज़्यादा सुसाइड्स अब जो होने लगे हैं, क्यों पहले नहीं होते थे इतने सुसाइड्स? कभी आपने सोचा है? जॉइंट फैमिली होती थी, बच्चे दिन भर खेलते थे, कोई प्रेशर नहीं था माँ बाप का कि नहीं हमें ये करना है, बच्चों को ये कराना है। क्यों अंधी दौड़ में शामिल हैं? मत शामिल होइए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, मुझे भी पहले कहीं ना कहीं लगता था कि नहीं बच्चे 90s में ही होने चाहिए, नंबर उनके 90s में ही आने चाहिए, 90 प्लस आएंगे तो ही उनका कुछ भविष्य हो पाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों की डेस्टिनी कहीं ना कहीं उनको ले ही जाएगी उनकी। और बच्चों, हम लोग भी तो धीरू भाई अंबानी नहीं हैं क्या? सब धीरू भाई अंबानी हैं आपके पेरेंट्स? क्या हम लोग उतने एजुकेटेड हैं जितने आप लोगों को हम लोग कर रहे हैं?
तो फिर क्यों ऐसा स्टेप? समाज से डर क्यों? समाज तो हम ही लोग हैं। कौन है समाज? हम, आप और कौन है? प्लीज़, मैं उन लेडीज़ों से भी चाहती हूँ प्रॉमिस जिनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे पैकेज होते हैं, स्टडी में अच्छे हैं, अच्छा अचीव कर रहे हैं, तो वो दूसरों के यहाँ जाके जब गॉसिप मारती हैं तो प्लीज़ मत करिए, मत गॉसिप मारिए। आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा है, अपने फील्ड में बहुत सक्सेस है, मालूम है, सबको मालूम चल जाता है यार, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको भी टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। जिनके बच्चे 70s में कुछ ला रहे हैं, या उतना पैकेज नहीं अच्छा है उनका, या वो किसी से लव करते थे, या वो तलाक होके आपके घर में बैठे हैं, या कुछ भी है, मत सुनिए ऐसे लोगों की बातें। आज बच्चा हमारा हमारे पास है, उसकी समझिए, उसकी प्रॉब्लम सुनिए आप, उसके दिल को टटोलिए। लोग तो ऐसे भी बात करेंगे, वैसे भी बात करेंगे, मत करिए ऐसा बेटा, मत करिए। बच्चों, हम बड़ी गाड़ी में नहीं घूमेंगे, छोटी गाड़ी में घूम लेंगे। बड़े घरों में नहीं रह पाएंगे तो क्या हुआ, छोटे घर में रह लेंगे, रेंट में रह लेंगे, बहुत ऑप्शंस हैं, मिलके कुछ भी कर लेंगे। आप एक बार अपने पेरेंट्स को बोल के तो देखिए कि हमसे नहीं हो पा रहा है, और यकीन मानिए वो आपसे, आपके साथ खड़े मिलेंगे आपको। मैं बस यही प्रॉमिस लेना चाहूँगी, कभी भी दिमाग में ऐसी चीज़ मत लाइए। आप सोचिए, आज मेरा क्या रिश्ता था जिसने सुसाइड किया, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उन बच्चों से मेरा क्या रिश्ता है? लेकिन फिर भी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, फिर भी हम डिस्टर्ब होते हैं उनका सुन के। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोग जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो क्यों नहीं आप लोग समझते हो, जब दूसरों का सुन के हमको इतना दुख हो सकता है, तो बच्चों अगर आप वो स्टेप उठाओगे तो आपके पेरेंट्स का क्या हाल होगा, आपके घर वालों का क्या हाल होगा? और सबसे ज़्यादा तो आप ये सोचिए, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। मैं कहती हूँ पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती हैं, हर बच्चे से हम एक जैसा नहीं सोच सकते हैं कि वो भी वैसा ही करे या वैसे ही। और फिर अगर आप कोई डिसीज़न अपने आप से लेते भी हो, अगर आपने डिसीज़न ले लिया कि नहीं हमें बिज़नेस करना है, चलिए ठीक है, आपने डिसीज़न लिया और घर वाले आपको कह रहे थे आप जॉब करिए, आपने नहीं पकड़ी, आपने बिज़नेस में जाना था, आपने डिसीज़न लिया एक स्टार्टअप का, ठीक है, आप फेल हो गए, नहीं चला स्टार्टअप आपका, तो क्या हुआ, क्या हुआ? आपके दिमाग में ऐसी बात आने लगेगी कि हम फेल हो गए, लो हम, मतलब क्या है, क्यों है ये, क्यों? अगर आप फेल हो जाते हो कहीं पे, उतना सक्सेस नहीं दिखा पाते हो, तो क्यों पेरेंट्स से वो बात कहने में संकोच है? क्यों दोस्तों से नहीं कह सकते हो? कम से कम आपने कोशिश तो करी, एक ईमानदारी से आपके मन में जो था आपने उसको कोशिश करी, नहीं सक्सेस हुए कोई बात नहीं, हम लोग भी बहुत सी चीज़ों में सक्सेस नहीं हुए। कभी आप बैठिए अपने पेरेंट्स से पूछिए कि उन्होंने क्या किया था, क्या ज़रूरी है वो जीवन में हर जगह सक्सेस हुए हैं? नहीं, कहीं ना कहीं हम सब फेलियर हैं। तो प्लीज़ अपने आप को अकेला मत समझिए, इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, कोई परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट क्यों बनना है? क्यों आप चाहते हो कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हों? नहीं हो सकते बच्चा, नहीं पॉसिबल है ये। मैं इतना ही प्रॉमिस चाहूँगी, प्लीज़ ऐसा स्टेप मत उठाइए, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है दिल में। इसलिए तो नहीं आए धरती पे, इसलिए तो जन्म नहीं लिया हमने। इंसान हैं, सोच सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, प्लीज़। और पेरेंट्स बच्चों को समझिए और साथ में बैठिए, बातचीत करिए, ज़रूर पूछिए रात में जब आप घर आते हैं बच्चों से, बेटा आज का दिन कैसा रहा, क्या किया,
किसके साथ मिले, ज़रूर शेयर करिए। आप अपनी प्रॉब्लम्स भी बताइए। मैं पेरेंट्स से कहूँगी आप अपना भी बताइए, आपने दिन भर में क्या किया। मेरे पापा की आदत थी, जब वो काम से आते थे रात का डिनर हम लोग पूरी फैमिली एक साथ लेते थे। मैं चाहूँगी प्लीज़ एक मील, एटलीस्ट वन मील पूरी फैमिली एक साथ करें। कोई गर्म का चकल्लस मत रखिए कि हमें गर्म चाहिए, हमें गर्म ही चपाती चाहिए, हमें गर्म ही राइस चाहिए, गर्म दाल चाहिए, गर्म खाना चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिन में एक मील आप बना के रख लीजिए, पूरी फैमिली एक साथ करिए। एक साथ मील खाएंगे, एक साथ खाना खाएंगे बैठ के, तो बातें होती हैं। ये मेरे बचपन का अनुभव है और बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत यादें जुड़ी हैं, बहुत हंसी मजाक, दिन भर में किसने क्या किया, सारी टेंशन रफू चक्कर। उससे क्या होता है, दो फायदे। एक तो बच्चों के मन की आपको पता लगी और आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो भी बच्चों को पता लगी। तो जब दोनों की प्रॉब्लम्स दोनों को मालूम है तो सलूशन अपने आप निकल आता है। किसी को कुछ भी किसी को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो रास्ते अपने आप इजी होते चले जाते हैं। प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़ एक मील एक साथ खाना शुरू करिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए, फैमिली के साथ बैठिए। प्लीज़ टीवी में उतना मत घुसिए, मोबाइलों में उतना टाइम स्पेंड मत करिए। आपसी झगड़ों को बच्चों पे मत ला दिए और बच्चों के ऊपर इतनी आशाएं मत थोप दीजिए अपनी आप कि वो आगे ही ना बढ़ पाएं, डिप्रेस हो जाएं। नहीं प्लीज़, वो ध्यान दीजिए। अगर आपका बच्चा आपसे दिन में दो बार बात करता है, चार बार बात करता है, हफ्ते में एक बार बात करने की आदत है, और अगर आप ध्यान दीजिए कि नहीं वो ऐसा नहीं कर रहा है, तो ज़रूर आप पहल करके रोज़ कॉल करिए, पूछिए बच्चे से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसकी आवाज़ पे ध्यान देना शुरू करिए। बच्चों से जब आप बात करते हैं उनकी आवाज़ से मालूम हो जाता है कि बच्चे कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, या कोई परेशानी है, आवाज़ से मालूम करिए। प्लीज़ पेरेंट्स ध्यान दीजिए, ये जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ़ होती है। नहीं अभी हम लोग नहीं संभलेंगे तो कब संभलेंगे। प्लीज़ क्वींस, रिक्वेस्ट है आप सबसे, अपने घर का एक खाना एक साथ बैठ के खाइए प्लीज़। बहुत ज़रूरी हो गया है ये, एक साथ खाना खाएंगे, एक साथ बातें शेयर करेंगे, ये माहौल हम ही लोगों को देना पड़ेगा। मैं जानती हूँ बहुत से घरों में इस चीज़ को नहीं पसंद करेंगे कि नहीं हमें तो गर्म ही खाना चाहिए, हमें तो ऐसा नहीं चलता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। प्लीज़ ये बहाने छोड़िए, बिल्कुल ये बहाने छोड़ दीजिए। बस और तो मैं क्या बोलूँ आगे, आप सब लोग खुद समझदार हैं। नहीं बच्चों, पूरा यूथ मेरा अपना है, मुझे यूथ पे बहुत प्राउड है। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन ये स्टेप मत उठाइए, ये अच्छा स्टेप नहीं है। मैं आपके हर स्टेप पे साथ रहती हूँ बच्चों के, मम्मा ये करना है हाँ करिए, ये करना है हाँ भाई ठीक है करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये स्टेप नहीं ठीक है, नहीं।